एक माँ की कोख से एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में युवा और क्रांति की परिभाषा ही बदल दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पास होएगा दिल में। देश मेरे, देश मेरे, मेरी शान है तू। देश मेरे, देश मेरे, मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे अब हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि पूरे देश को सुनाई दे। हम बम फोड़ेंगे। इस एक्शन से हम आवाम की नजर में आ जाएंगे, वो हमें जानने लगेगा। कोर्ट केस के दौरान हमारी स्टेटमेंट्स दर्ज की जाएगी। अखबारों को मजबूर होकर हमारे विचार छापने पड़ेंगे। आवाम तक पहुंचने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है, ये सरकार खुद हमें बना के देगी। उनके गढ़ में खड़े रहकर हम अपने लोगों का विश्वास जीतेंगे। अंग्रेजी हुकूमत को अब बात साफ नजर आने लगी। अदालत के जरिए भगत सिंह का प्रचार देश भर में जागृति ला रहा था। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। ऑल थ्री टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल दे आर डेड। धन्यवाद आपका। बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हवाएं अब तेरी नाच बजाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। चंगा। सब कह रहे हैं कि हमारी आखिरी मुलाकात है। भक्तिया तू जा, मैं नहीं रहूंगी। ये कुर्बानी भी तो तू अपनी भारत माँ के लिए ही दे रहा है। मैं खुश हूँ, जा। एक कलाम जिंदाबाद बोलना ना भूली। तू जा, तू जा।
आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की। हम एक बार गले मिलना चाहते। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी न मेरे पास पे रोना। निगाहें मौत से भी हम मिलाने से